विश्व किडनी दिवस के अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंगदान को लेकर और किडनी की बीमारी ना हो इसको लेकर एक आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किडनी बीमारी को किस तरह से बढ़ने से रोका जाए और अगर बीमारी होती भी है तो इसके बचाव किससे किए जाए। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि किसी किडनी की आवश्यकता हो तो किस तरह से अंगदान के लिए डोनर को प्रमोट किया जा सके, अंगदान का एक अभियान है, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में किडनी बीमारी से लोगों को दूर रखा जाए और अगर होती भी है तो डायलिसिस कम से कम खर्चे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपलब्ध की जा सके। सांसद ने बताया कि कई बार डायलिसिस देखा गया कि ऐसी बीमारी है कि यह सप्ताह में एक बार या महीने में दो बार भी होती है, तो इसके बचाव और इलाज के साथ इसकी सुविधाओं को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंगदान करने वाले लोगों को किस तरह से ज्यादा प्रमोट किया जाए इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम में आए संभागायुक्त पवन शर्मा ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यह पहला सार्वजनिक आयोजन है। अस्पताल के ऑडिटोरियम में यह पहला आयोजन किया गया है। संपादक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि न्यूरोक्रोडिट नेफ्रोलॉजी यह हॉस्पिटल अभी सृजन की जो सरकार की मंशा है सेवा कर पाएंगे, मरीजों को कम दामों पर सुविधा उपलब्ध की जाएगी। आज वर्ल्ड किडनी डे पर दोनों को ज्यादा से ज्यादा समाज में डोनेट हो सके, किडनी डोनेट किस प्रकार से किया जाए इसका समाज में प्रचार भी किया जाएगा। आज वर्ल्ड किडनी दिवस के अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंगदान को लेकर और किडनी की बीमारी ना हो उसको लेकर कार्यक्रम रखा गया था। आज ये एक वर्कशॉप भी है डॉक्टरों की और उससे जुड़े हुए लोगों की कि हम किडनी को बीमारी को कम से कम कैसे कर सकते हैं पहली, और अगर किडनी की बीमारी होती है तो उसको बचाव कैसे किया जाए दूसरी, तीसरी अगर किडनी बीमारी हो गई तो डायलिसिस को लेकर क्या क्या ऑप्शन है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, तीसरी चौथी अगर किसी को किडनी की अगर आवश्यकता है तो किस प्रकार डोनर को प्रमोट करना, तो एक अंगदान का जो हमारा अभियान है उसको आगे बढ़ाने को लेकर भी आज हमने अंगदान को लेकर भी एक बैठक की। तो आने वाले समय में किडनी की बीमारी कम हो, अगर होती है तो डायलिसिस कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा जगह में हो, क्योंकि डायलिसिस हमने देखा है कि डायलिसिस ऐसी बीमारी जो वीकली भी हो सकती है, वीक में दो बार भी हो सकती है, 15 दिन में भी हो सकती है, तो उसके बचाव किस प्रकार हो, उसके ट्रीटमेंट किस प्रकार हो और उसकी सुविधा कैसे मिले, और अगर ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो किस प्रकार समाज को आगे प्रेरित करें उसको लेकर भी आज चर्चा हुई। पांच राज्यों के रिजल्ट आयोजित किया गया है और कौन कौन से यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। जब मान उद्घाटन के पश्चात आज पहली बार ये तैयार ऑडिटोरियम हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी सभी सुपर स्पेशलिटीज़ यहाँ पर आरंभ हो गई हैं, कार्डियो की जैसे मैंने बताया, न्यूरो की, नेफ्रोलॉजी की और अन्य। ये हॉस्पिटल अब इस रीजन की जो सरकार की मंशा है सेवा कर पाएगा और पेशेंट्स को हम कम दाम पर उपलब्ध करा पाएंगे। आज वर्ल्ड किडनी डे पे डोनेशंस को एक तरह से समाज में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस हो उसके लिए हमने बैठ के की, आज पूरे दिन किडनी डोनेशंस किस तरह से किए जाएंगे, समाज में इसका प्रसार हो और कैसे डोनर और रेसिपिएंट दोनों ठीक रहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य के साथ रहते हैं, वो भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं अब वो डिस्कस करेंगे किडनी डोनेशंस के जो साइंटिफिक और माइनर मतलब अंदरूनी तथ्य हैं उसको सारे दिन चर्चा करेंगे। मैं वर्ल्ड किडनी डे पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सब स्वस्थ रहें और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किडनी डोनेशन के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त। वो बोन मैरो का क्या है कि अभी MY में 4 से 5 पेशेंट रख पाते हैं, तो अभी एक विचार आया है कि अगर हम यहाँ कर देते हैं तो 10 को एक बार में कर पाएंगे, तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। थैंक यू।